फाइनली Redmi इंडिया ने ये कंफर्म कर चुका है, इंडिया में Redmi Note 7 नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी में ही लॉन्च होने वाला है। एंड एक्सपेक्टेड डेट भी निकल के सामने आया है। एंड Redmi Note 7 Pro भी में भी Redmi Note 7 के साथ ही इंडिया में लॉन्च हो सकता है। रिसेंटली Redmi इंडिया की CEO मनु कुमार जैन एंड Xiaomi ग्लोबल की CEO Liu Chen के साथ Redmi Note 7 हाथ में लेके एक अपसाइड डाउन पिक्चर शेयर किया है, जहाँ टैगलाइन दिया गया है, अपना टाइम आएगा। आज इस वीडियो पे मैं Redmi Note 7 एंड Note 7 Pro की इंडिया में लॉन्च डेट के बारे में बात करने वाला हूँ, एंड किस प्राइस में ये दोनों फोन्स इंडिया में लॉन्च हो सकता है ये भी बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक कर देना। हाय, आई एम P2 एंड आप देख रहे हैं कूल एंड टेक यूट्यूब चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप सब Redmi Note 7 एंड Note 7 Pro की फुल स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान चुके होंगे, इसलिए मैं फिर से दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशंस बता के आपको बोर नहीं करूंगा। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। Redmi Note 7 3GB प्लस 32GB वेरिएंट का प्राइस चाइना में रखा गया था 9991 एंड इंडिया में इस फोन का प्राइस में भी 10999 रहेगा। 4GB प्लस 64GB वेरिएंट का प्राइस रखा गया था 11991 एंड इंडिया में प्राइस में भी 12999 रहेगा। एंड 6GB प्लस 64GB वेरिएंट का प्राइस रखा गया था 13991, इंडिया में प्राइस में भी 14999 रहेगा। आप बात करते हैं Redmi Note 7 Pro के बारे में, तो दोस्तों चाइना में इस फोन का प्राइस 14991 से स्टार्ट होने वाला है। इंडिया में भी Redmi Note 7 Pro का प्राइस 15 या 16 हज़ार से स्टार्ट होगा। Redmi Note 7 Pro में आपको कौन कौन से RAM वेरिएंट्स मिलेगा ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये रूमर्स भी आया था। हमें Redmi Note 7 Pro में 4 और 6GB RAM वेरिएंट्स के साथ 1 8GB RAM वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है। चाइना में भी Redmi Note 7 Pro फरवरी में लॉन्च होने वाला है। एंड इंडिया में Redmi Note 7 की जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट निकल के सामने आया है वो है 19 फरवरी। अभी ये लॉन्च डेट भी हो सकता है या फिर सेल डेट, क्योंकि 14 फरवरी 2018 में हमें Redmi Note 5 एंड Note 5 Pro इंडिया में देखने को मिला था, इसलिए यहाँ पर चांस ज़्यादा है 14 फरवरी को ही Redmi Note 7 इंडिया में लॉन्च हो सकता है। एंड इसके साथ ही हमें Redmi Note 7 Pro भी देखने को मिल सकता है, जो उसी दिन चाइना एंड इंडिया में एक साथ लॉन्च होगा। जैसे 2018 में Redmi Note 5 Pro इंडिया एंड चाइना में एक साथ लॉन्च हुआ था। इसलिए आप अगर अभी कोई एक न्यू स्मार्टफोन खरीदने के लिए सोच रहे थे तो भाई रुक जाओ, क्योंकि Redmi Note 7 एंड Note 7 Pro पूरे मोबाइल इंडस्ट्री को हिलाने वाला है। बाकी मेरे पास Redmi Note 7 एंड Note 7 Pro की लॉन्च डेट के रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मुझे अगर इन दोनों फोन्स की एक्चुअल इंडियन प्राइसिंग के बारे में और भी कुछ पता चलता है तो मैं फिर से वीडियो बना के आप सबको बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड साथ में ये भी बताना, Redmi Note 7 एंड Note 7 Pro में से आप किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। प्लस इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। एंड इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।